आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अलीमा ब्यूटी रेमेडीज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही एक आप लोग के स्किन केयर के ऊपर ही मैं हमेशा रेमेडीज लेकर आती हूँ। तो आज भी मैं जो रेमेडीज लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल वे में अपने स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं, पिम्पल्स क्लियर फ्री बना सकते हैं अपने स्किन को। और ये जो रेमेडीज़ जो मैं शेयर करने वाली हूँ ये मोस्ट इफेक्टेड रेमेडीज़ है। तो फ्रेंड आप इसे एक बार ट्राई करके देखिएगा। हाँ, वन टाइम यूज से नहीं जाएगा, ये मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि आप सोचेंगे कि कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं वन डेज या टू डेज तो आपको रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जो भी रेमेडीज आप यूज़ करिए कम से कम वन मंथ तक आपको यूज़ करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा, तब जाके आपके स्किन में इफ़ेक्ट समझ में आएंगे और अच्छे इफेक्ट समझ में आएंगे। तो चलिए आज ज़्यादा बातें ना करते, मैं शेयर करती हूँ कि ये जो रेमेडीज़ है वो आपके स्किन को पिंपल्स फ्री तो करेंगे ही, साथ साथ आपके एसेंस वगैरह जो भी है वो भी क्लियर कर देंगे, जो भी झाइयाँ वगैरह होंगी वो भी क्लियर कर देंगे, और धीरे धीरे आपके स्किन नेचुरली तरीके से अच्छे हो जाएंगे और ग्लोइंग हो जाएंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ जाएंगे वो चीज़ मैं शेयर कर लेती हूँ। तो फर्स्ट जो फ्रेंड है वो है ये दही। तो मैंने इतना ही लिया है जितने मुझे स्किन पे यूज़ करना है, लाइक मुझे फेस पे यूज़ करना है, तो मैंने उसी क्वांटिटी में दही लिया है। मर्जी आपकी है, थोड़ी कम होगी ज़्यादा होगी कोई बहस नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ले ले। और ये जो है फ्रेंड, जो मेन इसका मेन पार्ट है फ्रेंड वो है ये, इसे बोलता है दालचीनी बोलते हैं हम लोग हिंदी में, लेकिन ऐसे सरमन पाउडर बोला जाता है इंग्लिश में, बट इसे दालचीनी जो है ये सबको पता है कि वेट लॉस करने में भी बहुत बेनिफिटफुल होते हैं, हमारे खाने में बहुत अच्छे खुशबू देते हैं। और थर्ड जो है ये हमारे स्किन के लिए भी, हमारे लिए स्किन को जो है जितने भी पिंपल्स है उसे रिमूव करने में बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये। और सेकंड, आपके जितने भी छाइयाँ होंगी दाग धब्बे होंगे वो धीरे धीरे अगर आप इसे एवरीडे यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे ये जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने अपने ही अकॉर्डिंग लिया है, अगर थोड़ी सी फेस के हिसाब से ही मैंने ली है, ये भी थोड़ी कम या ज़्यादा होती है तो आपके स्किन में कोई हार्मफुल नहीं होगा, क्योंकि ये जितने भी मैं डाल रही हूँ इसमें सामान जो मिक्स कर रही हूँ वो टोटली नेचुरली है। दही सबको पता है कि ये बहुत ज़्यादा हमारी स्किन को लाइट करने में बेनिफिट देता है, और ये जो पाउडर है वो हमारे पिंपल्स को ख़त्म करेंगे, हमारे झाइयों को ख़त्म कर देंगे। बट हाँ, रेगुलर यूज़ करेंगे तो, ये नहीं कि वन टाइम आपने यूज़ किया कमेंट करेंगे मैम मैं कुछ हुआ ही नहीं, तो वन टाइम यूज़ में डेफिनेटली कुछ नहीं होता है। और थर्ड जो जाने वाला है वो है ये रॉ हनी। तो हनी सबको पता है मैं रॉ हनी ले रही हूँ, आप कोई सा भी हनी ले ले, तो मेरे पास ये हनी है तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। हनी सबको पता है कि हमारी स्किन को ग्लोइंग प्रोवाइड करती है और हमारे स्किन को जो है नेचुरली तरीके से मॉइस्चराइज भी करती है। तो आप हनी इसमें डालना ज़रूर से ज़रूर डालिए और इसमें डालना ना भूलें। तो ये सिर्फ तीन चीज़ों, जो तीनों चीज़ जो है आपके घर पे ही अवेलेबल होते हैं, इन तीन चीज़ों को आप मिक्स करके एवरी डे नाइट में लगा कर एक घंटे अपने स्किन पर छोड़ दें, उसके बाद वॉश करके आप सो जाइए, कोई भी अपना मॉइस्चराइजर क्रीम लगा कर सो जाइए। और अगर नाइट में नहीं लगाना है तो आप किसी भी वक्त आप इसे एक घंटा एटलीस्ट अपने फेस पे, या आधा घंटा, एक घंटा अगर फर्स्ट टाइम नहीं तो आप एटलीस्ट 30 मिनट्स तो कम से कम उसे रहने दें अपने स्किन के ऊपर, तभी जाके वो अच्छे से वर्क करेंगे। तो चलिए मैं थोड़ी सी हनी ऐड कर लेती हूँ। तो ये तीनों चीज़ जो है ना फ्रेंड, अपने ही अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिए, कोई ज़्यादा कम होने से किसी भी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं उसी हिसाब से ले रही हूँ, मुझे मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे आप अपने स्किन के ऊपर, ये देखिए मिक्स करने के बाद कुछ इस फॉर्म में हो जाएंगे, तो आप इसे मिक्स करके अपने स्किन पे और लेयर लगा लीजिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और जब इसे अच्छे से मिक्स करिएगा तो ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाएंगे, तो मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद ये क्रीमी टेक्सचर में आ गए हैं। तो इसे क्या करना है कि इतने देर 5 मिनट तक कम से कम अच्छे से इसे मिक्स करें, ताकि तीनों चीज़ अपने आप में आपस में अच्छे से ऑब्जर्व होके अपना रिजल्ट दिखा सके। तो इनको मैंने मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद आप क्या करें कि इसे इस तरीके से अपने पूरे स्किन पे अप्लाई कर लीजिए, फुल स्किन पे अप्लाई कीजिए फ्रेंड। तो आपको इसको, ये ज़रूरी नहीं कि पिंपल्स आपके जहाँ आते सिर्फ वहीं लगाइए, आप इसे पूरे फेस पे अप्लाई करिए, और पूरे फेस पे अप्लाई करके एक घंटे तक छोड़ दीजिए। एक घंटा टाइम नहीं तो आप आधे घंटे एटलीस्ट रहने दें अपने स्किन के ऊपर। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएंगे तो इसे सर्कुलर मोशन में आपको मसाज देना पड़ेगा फ्रेंड, इसे मसाज दीजिएगा। और मसाज देने के बाद क्या है कि ये जो दालचीनी का पाउडर है
वो हल्की हल्की खुरदुरी रहेगी तो आपका स्क्रब भी हो जाएगा और मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड तो करेगा ही, क्योंकि इसमें हानि है। और जो भी हमारी फेस के ऊपर आपकी गंदगी होंगी वो दही इजली निकाल देगा, और सालमन पाउडर जो है वो आपको पिंपल्स को रिमूव करेंगे, जो दाग धब्बे वगैरह है वो धीरे धीरे ही रिड्यूस हो जाएंगे आपके। तो इस तरीके से आप लगाकर सर्कुलर मोशन में आधे घंटे के बाद जब इसे आपको निकालना हो तब आप इसे इस तरीके से 5 मिनट तक मसाज दीजिए अच्छे तरीके से पूरे फेस को। और मसाज देने के बाद फ्रेंड आप उसे हल्की सी गर्म पानी से वॉश कर ले, या अगर नॉर्मल वाटर है तो आप उससे भी वॉश कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसे आप अगर एवरी डे नाइट में लगाएंगे तो और ज़्यादा आपको स्किन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, मैं बिगनर हूँ और फ्रेंड आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ मैं। और आप इसे एक बार ट्राई करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग अगर लगा रहे हैं, आप लोग इसमें कुछ भी असर हो रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर कुछ भी क्वायरी करना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, बाय बाय।